अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अंबरपेट इलाके में लगातार बारिश की वजह से एरन के पोल में करंट आ रहा है और इससे एक जानवर की मौत हो गई। यहाँ के मुकामी लोगों का यह कहना है कि अगर ये जल्द से जल्द मसले को हल नहीं किया गया तो कई लोगों की जान भी जा सकती है और बारहा शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की मुसलसिल लापरवाही देखने को मिल रही है। यहीं के नौजवानों ने एक वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाई ताकि हम इसको मंजर आम पे लाए। देखते हैं सपोर्ट। आज अंबरपेट में जो घटना घटी, जो वाकया हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि एक मासूम जानवर की मौत हुई शॉक के जरिए, तो लिहाजा पिछले साल भी यही वाकया गुजरा। अंबरपेट में एक खवातीन की मौत हुई, एक महिला की मौत हुई शॉक के जरिए। तो हम इससे पहले भी बोर्ड को याद दिलाए कि जो जितने भी आयरन पोल्स है उसके अंदर शॉक आ रहा, क्योंकि 30-30, 40-40 साल पुराने खंबे है, इसको निकाल के सीमेंट के पोल डालना, बल्कि हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करें और हमारे करंट बोर्ड से भी मुतालबा करें। तो हम आपको ईडी और एई यही तयकुन दिए कि जितने भी अंबरपेट में पुराने पोल है मैं बराबर निकालूंगा, उसको सही करूंगा, कांक्रीट के पोल डालूंगा, बल्कि बोले। मगर ये काम कभी भी अमल में नहीं आया और ये जितनी लापरवाही गवर्नमेंट की है उससे बड़ी लापरवाही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यही बोल देना चाह रहा हूँ कि आज एक मासूम जानवर की मौत हुई। अगर इंसान की अगर मौत होती तो इसके जिम्मेदार कौन होते थे, या गवर्नमेंट होती थी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती थी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि जितना अफसोस एक इंसान की मौत पे है उतना अफसोस एक जानवर की मौत पे है। तो लिहाजा अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको अगर सीरियस लेके अगर ये खंभों को निकाल के अगर करंट के खंभे अगर नहीं डालेंगे तो खबरदार, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पहले आ जाते, कलेक्शन के लिए बिल नहीं दिए तो कट कर देते। तो लिहाजा लोगों की मजबूरी के लिए आप लोग क्यों नहीं आ सकते। आज सुबह से लोग फोन कर रहे हैं, मगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ये चीज़ को पकड़ के कोई आके ये काम को सही नहीं करा। क्योंकि अगर इसके दरमियान एक मालूम ऐसे वाले कोई नहीं आते, मगर नहीं मालूम ऐसे वाले किसी को शॉक लग के अगर मर गया तो कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिम्मेदार है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो लापरवाही की तरफ से कई ऐसे हादसे हुए, तो लिहाजा खबरदार अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये चीज़ों को अगर पकड़ के अगर ये मसले को अगर सॉल्व नहीं करेगा तो हम खामोश नहीं बैठने वाले नहीं है। हम आने वाले टाइम पे इसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का घेराव करके हमारे मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.